हर खबर में होगी हमारी नजर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रुद्रपुर की कैबिनेट बैठक के दौरान किच्छा के विधायक राजेश शुक्ला की जिलाधिकारी से बहसबाजी हो गई। मामले ने तब तूल पकड़ा जब मंत्री के सामने जिलाधिकारी ने कहा कि विधायक किच्छा राजेश शुक्ला की याददाश्त कमजोर है, जिसके बाद जिलाधिकारी को आड़े हाथों लेते हुए विधायक ने खनन पर आहूत बैठक का बहिष्कार किया और अब्दुल कलाम सभागार से उड़ गए। मंत्री द्वारा विधायक को रोकने पर विधायक शुक्ला ने कहा कि जिलाधिकारी सवाल पूछने पर संतोषजनक जवाब देने के बजाय अपमानजनक रवैया अपना रहे हैं और अफसरों द्वारा विधायकों को कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। दरअसल पूरा मामला ये है कि बैठक में विधायक ने जिलाधिकारी से सवाल किए कि खनन के टैक्स के रूप में जो मद इकट्ठा हो रहा है, इस खनन को ले जाते वक्त डंपरों से ग्रामीणों की सड़क क्षतिग्रस्त हो रही है, उस पर कितना पैसा खर्च हो रहा है, आपदा मद में किच्छा क्षेत्र में कहां कहां पैसा लगा और कोरोना की टेस्टिंग की रिपोर्ट आने में लंबी देरी हो रही है, जबकि आप कह रही हैं कि एक दो दिन में ही रिपोर्ट आ जाती है। वहीं इस मामले में जिलाधिकारी ने कोई संतोषजनक जवाब देने के बजाय कहा कि आपकी याददाश्त कमजोर है और इतना सुनते ही विधायक शुक्ला खड़क गए। वहीं मंत्री मदन कौशिक ने विधायक राजेश शुक्ला को रोकने का इशारा किया पर वो उठकर चले गए। वहीं प्रेस वार्ता में प्रभारी मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि प्रत्येक जनप्रतिनिधि की जनता के प्रति जिम्मेदारी होती है, ऐसे में अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों का सम्मान करना जरूरी है। जनप्रतिनिधि की भी अपनी एक जिम्मेदारी होती है, जनप्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेही है और कहीं ना कहीं हम लोग जब एक जनप्रतिनिधि के तौर पर रहते हैं तो अधिकारियों को जो सरकार का एजेंडा है उसको लागू करना है और निश्चित रूप से जहां कहीं भी लगता है कि अधिकारी नहीं है तो उनकी समीक्षा करके कहीं ना कहीं उचित समय पर हम निर्णय भी लेते हैं, लेकिन जनप्रतिनिधियों का सम्मान ये सबके लिए ज़रूरी है। लेकिन आज मुझे दुख है इस बात का कि माननीय मंत्री जी आए थे और बैठक चल रही है, उस बैठक में अगर हम जिलाधिकारी से कुछ सवाल पूछ रहे हैं तो जिलाधिकारी को संतोषजनक जवाब देने के बजाय ये कहें कि विधायक जी आपकी आवाज़ कमज़ोर है, हमने बहुत काम किया आपके यहाँ, अब मुझसे पूछूं भाई आपने कौन सा काम किया बताइए, खनन में कहाँ पैसा आपने दिया या आपदा में कौन सा पैसा दिया गया, तो ये कहना कि आपकी आवाज़ कमज़ोर है और मैं उसका सही जवाब ना देना, खिल्ली उड़ाना विधायक की, ये बड़ा गंभीर विषय है और मुझे उससे अपमानजनक महसूस हुआ, तो इसलिए मैं उठ के वहाँ से चला आया। और मैंने हम ऐसी स्थिति की कभी कल्पना नहीं कर सकते कि हम लोग जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, सरकार का पैसा कहाँ खर्च होगा, दैवीय आपदा मद से कहाँ पैसा खर्च होगा, खनन में जो पैसा आ रहा है जिलाधिकारी के पास वो कहाँ खर्च होगा, इसे तय करने का हमारा अधिकार है और मुझे लगता है कि हम अधिकृत है तभी हम बैठक बुलाए भी गए होंगे और तभी बैठक हो भी रही थी।